To the channel Acharya Ji Online. Please subscribe the channel and press the bell icon. Suprabhatam bhratra bhaginyascha bhavanta gihe idanim patanti manuyog yuvakena iti jayate bhavanta karyana kurvanti lekam likanti idanim hya aham pancham pathasya प्रथम भाग पाठितवान पूर्वाध भाग अद द्वितीय भाग हम पाठयाम पूर्व शब्दासन कथया शब्दाभ्यास उच्चारण अनेक प्रकार उद्घाट यदि बोलता है चालम चाला को कुंजी गया चाबी से आवणित दुकानदार सिस्टम आटा को तोलियति तौलता है शौच का धरती कया किससे कर्तयति काटता है कर्तव्या कैंची से लेखन्या पेन से। अब इसमें जो जो शब्द हैं उनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग ज्यादा है और कल मैंने बताया भी था कि तृतीया विभक्ति से संबंधित भी तृतीया विभक्ति से संबंधित बात हुआ इसमें तृतीयाविभक्ति से संबंधित इसमें वाक्य है और यह भी मैंने बताया था कि विभक्तियां सात होती है प्रथमा विभक्ति द्वितीया विभक्ति तृतीया से सप्तमी तक तो कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है जैसा कि मैंने कल बताया था कर्तरी प्रथमा इसको मैं फिर दोहरा देता हूँ कल मैंने बताया था कर्तरी प्रथमा इसके बाद बताया था कर्मणि द्वितीया इसके बाद बताया था करणे तृतीया इसकी आवृत्ति जरूरी है अर्थात कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है कर्ण कारक में तृतीया विभक्ति होती है इसमें कल का जो प्रयोग था उसमें केन था केन लिखती केन खादती केन कारण करोती केन होता है पुलिंग में आज जो है वाक्य कया कया का होता है किससे यह स्थिति में होता है भैया बहन अब इसका मैं आपको प्रयोग बताऊंगा इसका मैं आपको प्रयोग बताऊंगा जैसे पहला है हाँ पहला है कुंचिका शब्द है कुंचिका मतलब होता है चाबी अब लता तालम उद्घाटयति इसका अर्थ हुआ लता ताला को खोलती है अब आगे लिखेंगे लता कुंची गया लता कया तालम उद्घाटयति प्रश्न हो गया लता कया तालम उद्घाटयति यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है तो प्रश्न उत्तर लिखेंगे लता कुंची कया अर्थात चाबी से तृतीया विभक्ति है और कुंचिका शब्द स्त्रीलिंग में है इसलिए कया है उद्घाटयति तो पुलिंग में था केन यहाँ पर है स्त्रीलिंग में कया अब इसके बाद शब्द है तुला और तुला मतलब होता है तराजू कुंजिका मतलब इधर चाबी और तुला मतलब तराजू अब आप निकह सिस्टम तोलियति मैंने आपसे पहले बताया सिस्टम मतलब होता है आटा को दुकानदार आटा को तौलता है फिर प्रश्न होगा आपनी कह कया पिष्टम तोलियति दुकानदार किससे आटा को तोलता है तब उत्तर देंगे आपनी कह तू लया तराजू से
चूला कहते हैं, चूला शब्द है, चूला का तृतीया एक दूसरे लोग चूलया आप अनेक चूलया सिस्टम चूलयती दुकान लाल तराजू से आटे को तोलता है। सब तृतीया व्यक्ति है इस बात को जानना है। फिर भैया बस फिर आप उच्चारण करते रहे कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीया करणे तृतीया पुलिंग में केन स्त्रीलिंग में कया दोनों का से। इसके बाद शब्द है कर्तरी। कर्तरी का अर्थ होता है फैंसी। सौचिक मैंने अभी दिखाया शब्दार्थ में सौचिक का अर्थ होता है दर्जी। सौचिक वस्त्रम कर्तयति। कर्तयति मतलब काटता है। सौचिक दर्जी, दर्जी कपड़ा को काटता है। फिर प्रश्न होगा सौचिक कया वस्त्रम कर्तयति। प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। प्रश्न यहाँ पर है वाक्य सौचिक वस्त्रम कर्तयति दर्जी कपड़ा को काटता है। तो प्रश्न हुआ सौचिक कया वस्त्रम कर्तयति दर्जी जो है किसे कपड़ा को काटता है। तो सौचिक अब देखिए कर्तरी शब्द है तो कर्तरी का तृतीया में होगा कर्तरिया। चूल्हा का चूल्हा कुंजिका का कुंजिकया और कर्तरी का होगा कर्तरिया कर्तयति। सौचिक वस्त्रम कर्तयति दर्जी कपड़ा को काटता है। प्रश्न होगा सौचिक कया वस्त्रम कर्तयति दर्जी किससे कपड़ा को काटता है। सौचिक कर्तव्य वस्त्रम कर्तयति दर्जी कैंची से कपड़े को काटता है। अब एक अंतिम चीज बता रहा हूँ लेखनी। लेखनी स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें प्राय कुंजिका कर्तरी चूल्हा लेखनी चारों पुल्लिंग शब्द है। पुलिंग स्ट्रिंग शब्द है। कल पुलिंग क्या बताया था। अब जो है अब मैंने एक वाक्य लिखा बालिका लिखोती। मैंने वाक्य लिखा बालिका लिखोती। आप जानते होंगे बालिका लिखोती लड़की लिखती है एक क्वेश्चन में। अब प्रश्न होगा बालिका कया लिखोती। एक कया का मैंने बता दिया किम शब्द है। अकिम शब्द की पुलिंग में होता है के आया स्त्रीलिंग का प्रयोग है इसे स्त्रीलिंग होगा कया। बालिका कया लिखति लड़की किससे लिखती है तो उत्तर देंगे बालिका लेखन्या। लेखनी शब्द है स्त्रीलिंग में लेखन्या लिखति लड़की पेन से लिखती है। भैया बन मैंने आपको चार उदाहरणों से स्त्रीलिंग वाक्यों का प्रयोग बता दिया। अब आपको गृह कार्य के रूप में पहले शब्दार्थ याद करना है गृह कार्यम। शब्दार्थम स्मरतु लिखतु च। फिर हमें फिर बार बार याद करा रहा हूं कर्तरी प्रथमा कर्मणि द्वितीया करणे तृतीया पुलिंग में केन स्त्रीलिंग में कया। स्त्री से कर्तरी लेखनी चूल्हा ये सब शब्द थे इनको आप याद करेंगे। तृतीय पाठ का कल जो है आपको प्रश्नोत्तर दिखाया जाएगा। धन्यवाद।